अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। दूर एक राज्य में अलादीन नाम का एक होनहार लड़का रहता था। अलादीन होशियार होने के साथ साथ गैर जिम्मेदार भी था। वो सारा दिन बाजार में अपना वक्त जाया करता, जहां उसकी माँ फ्रूट बेचकर गुजारा करती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी बाजार में अलादीन को ढूंढते हुए आया। अरे सुनो, यहाँ आओ। हाँ कहिए, क्या हुआ? क्या तुम अलादीन हो? हाँ। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मदद करने आया हूँ। आपको पहले यहाँ नहीं देखा? हाँ, क्योंकि मैं इस राज्य से दूर रहता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। उन्होंने एक बार मुझसे मदद मांगी थी। अगर मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। मुझे माँ को बताना होगा। ज्यादा वक्त नहीं है। सोने के सिक्के चाहिए या नहीं? अलादीन को इस आदमी पर भरोसा तो नहीं था, पर उसे सोना चाहिए था, इसलिए वो आदमी के साथ राज्य के बाहर गया। दोनों रेगिस्तान के बीच में एक पत्थर के सामने आकर रुक गए। बूढ़े आदमी के मुंह से कुछ शब्द निकले और वो पत्थर अचानक खुल गया। शायद ये एक जादूगर है। मुझे सतर्क रहना होगा। इस दरवाजे से आगे जाओ, ये तुम्हें एक गुफा की ओर ले जाएगा। तुम्हें वहाँ एक लैंप मिलेगा, उसे मेरे पास ले आओ। तुम खुद क्यों ये नहीं कर लेते? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। मुझे अंदर कुछ नहीं दिखेगा, कितना अंधेरा है। ये लो, ये अंगूठी ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगी। जैसे ही अलादीन अंदर गया, अंगूठी चमकने लगी और अलादीन ने अंदर सीढ़ियां देखी। वो नीचे गया और वहाँ एक गुफा में खजाना रखा था। वाह, यहाँ कितना सारा सोना, हार और रूबीज है। और वो जादूगर को सिर्फ लैंप चाहिए? लैंप देखते ही अलादीन ने उठा लिया और साथ में अपनी बैग सोने के सिक्कों से भर ली। बाहर आओ बेवकूफ लड़के, दरवाजा कभी भी बंद हो सकता है। अलादीन को गुफा से जल्दी बाहर निकलना था, पर सोने के सिक्कों की वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। ओह, बहुत भारी है। बाहर आओ, जल्दी जल्दी करो। अलादीन ने भागने की बहुत कोशिश की, पर दरवाजा बंद होने लगा। लैंप बाहर फेंको। नहीं, लेकिन मेरा क्या होगा? बेवकूफ लड़के, पहले लैंप मुझे दो, वरना यहीं पर छोड़ दूंगा। अलादीन को जादूगर पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने कुछ सिक्कों का वजन कम किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलादीन उस बंद गुफा में बहुत ज्यादा घबरा गया था। फिर उसने अपनी अंगूठी को जोर जोर से मसला और अचानक एक जीनी बाहर आया। हुकुम मेरे आका। अब तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इस लैंप से निकालने के लिए शुक्रिया। आपके इस एहसान के बदले मैं आपकी 3 विशेष पूरी करूंगा। ध्यान से सोचिए, आपको जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। हो फिर तो अच्छा है, प्लीज मुझे जल्दी से घर छोड़ दो। जो हुकुम मेरे आका। अचानक पलक झपकते ही अलादीन गायब हुआ और अपने घर के सामने पहुंच गया। मैं घर आ गया, वाह। अलादीन खुश तो बहुत था, पर वो सोचने लगा कि आखिर जादूगर को पुराने लैंप का क्या काम था। लैंप पर जमी धूल हटाने उसने लैंप को घिसा। लैंप बड़ी जोर से हिलने लगा और एक मोटा सा आदमी उसमें से बाहर आया। हुकुम मेरे आका, बताइए आपकी विश क्या है? कौन हो तुम? मैं इस मैजिक लैंप का जीनी हूँ। मैं किसी भी विश को पूरा कर सकता हूँ। ऐसा है तो इस राज्य का सबसे अमीर लड़का बना दो। अलादीन का घर एक बड़े से आलीशान महल में बदल गया। उसके फटे पुराने कपड़े भी शाही कपड़ों में बदल गए और वो अमीर बन गया। हाँ, मेरा घर कहाँ है और ये महल यहाँ कैसे आया? माँ, अब यही हमारा घर है, अब हम अमीर हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब पिताजी के दोस्त की वजह से हुआ। अलादीन का नाम पूरे राज्य में मशहूर हो गया। अमीर होने के साथ साथ वो दयालु और नेक भी था, और राजा ने भी उसके बारे में सुना था। ये अलादीन कौन है? मैं इसे मिलना चाहता हूँ, इसे महल में बुलाया जाए। अलादीन बहुत सारे तोहफों के साथ राजा को मिलने गया। अलादीन, तुम्हारा मेरे महल में स्वागत है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तोहफों के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया महाराज।
मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ, बेझिझक बताओ। मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने अपनी बेटी को अचरज में देखा। राजकुमारी को अलादीन देखते ही पसंद आ गया था। उसने अलादीन के बारे में अच्छी बातें सुनी थी। महाराजा को भी अलादीन काफी पसंद था और दोनों की शादी तय कर दी। शादी का जश्न शुरू हो गया। सारा राज्य खुश था सिवाय उस घमंडी और चालाक जादूगर के। वो बहुत गुस्सा हुआ। उसे लैंप अपने लिए चाहिए था। शादी के एक दिन पहले जब अलादीन घर पर नहीं था, जादूगर लैंप सेलर का रूप लेकर उसके घर गया। लैंप ले लो, लैंप ले लो, पुराने को बदलो नया ले लो, आपके लिए बहुत लैंप्स है मेरे पास, ले लो। जरा मुझे बताइए आपके पास किस तरह के लैंप्स हैं? जादूगर एक लैंप बेचने वाले के भेष में अलादीन की माँ को नए लैंप्स दिखाने लगा और उन्हें नए लैंप्स के बारे में जानकारी देने लगा। अचानक अलादीन की माँ को उस पुराने और बदसूरत लैंप के बारे में याद आया और वो तुरंत उसे बेचने के लिए लाने गई। अरे वाह, मुझे नहीं लगा था ये इतना आसान होगा। आखिरकार मेरी तरकीब काम आ गई। ये लीजिए। और इस तरह बिना सोचे समझे वो लैंप उन्होंने इस बदमाश को दे दिया। और ये लीजिए सबसे सुंदर लैंप, इससे बढ़िया लैंप आपको कहीं नहीं मिलेगा। लैंप हाथ में लगते ही जादूगर ने अपना पुराना रूप फिर से धारण कर लिया। अलादीन, तुम हमेशा बेवकूफ ही रहोगे। अलादीन जादूगर को देखकर परेशान हो गया। जादूगर ने लैंप को घिसा और तुरंत उसमें से जीनी बाहर आया। हुकुम मेरे आका, बताइए आपकी क्या विश है? जीनी, अलादीन को दिया हुआ सारा पैसा वापस ले लो, उसे फिर से गरीब बना दो। अलादीन का महल फिर से एक मामूली घर में बदल गया। उसके सारे खजाने लुट गए। वो फिर अपने फटे पुराने कपड़ों में आ गया। अलादीन बिल्कुल गरीब हो चुका था। राजकुमारी, महाराज और पूरा राज्य इसे अच्छे से फूल जाना चाहिए। ये एक मामूली फल बेचने वाली के बेटे के नाम से जाना जाएगा और कल राजकुमारी से मैं शादी करूंगा, यही मेरी विश है। जो हुकुम। अगले दिन जादूगर और राजकुमारी की शादी होने वाली थी। अलादीन का दिल टूट गया और राज्य के सभी लोग अलादीन को भूल चुके थे। राजकुमारी भी उसे भूल चुकी थी और अगले दिन जादूगर से शादी करने वाली थी। हर कोई जीनी के माया जाल में फंस चुका था, पर अलादीन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। महल में घुसकर उसने शादी रोकने की कोशिश की। मुझे अंदर आने दो, राजकुमारी मुझसे शादी करने वाली थी, जादूगर सबको बेवकूफ बना रहा है। क्या बोले? राजकुमारी तुमसे शादी करने वाली थी? दफा हो जाओ यहाँ से। सिपाहियों ने अलादीन को बाहर धकेल दिया। उसका अंदर जाना नामुमकिन था। तब उसे वो अंगूठी याद आई जो जादूगर ने उसे दी थी। वो अब भी उसकी उंगली पर थी क्योंकि ये अंगूठी जीनी ने नहीं दी थी। शायद इससे कुछ हो जाए। उसने अंगूठी मसली और जीनी बाहर आया। हुकुम मेरे आका। मुझे जल्दी से राजकुमारी के पास ले चलो। पलक झपकते ही अलादीन महल के अंदर पहुंच गया जहां राजकुमारी शादी के लिए तैयार हो रही थी। वो कमरे से बाहर आया पर उसे जादूगर कहीं भी नहीं दिखा। अलादीन को अचानक याद आया कि उसकी एक ख्वाहिश अभी भी बाकी थी। मेरे दोस्त जीनी, मैजिक लैंप के पास ले चलो। और फिर पलक झपकते ही अलादीन वहां से गायब हुआ और सीधा जादूगर के सामने आ गया। जादूगर भी तैयार हो रहा था। अलादीन अपना मुंह ढक कर कमरे में अंदर आया। मेरे महाराज, मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो फिर जल्दी से काम पे लग जाओ, जाओ। जादूगर अपने आप को शीशे में देख रहा था और अलादीन पूरे कमरे में लैंप ढूंढने लग गया। लैंप उठाकर वो घिसने लगा। जो हुकुम मेरे आका, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जादूगर अलादीन के हाथों में लैंप को देखकर चौंक गया। जीनी, कुछ ऐसा करो कि ये जादूगर खुद को भूल जाए और राजकुमारी को मैं वापस याद आ जाऊं। मुझे फिर से अमीर इंसान बना दो। अलादीन के कपड़े फिर से शाही कपड़ों में बदल गए और जादूगर भुलक्कड़ की तरह कमरे से बाहर निकल गया। अलादीन ने जीनी को शुक्रिया कहकर उसे आजाद कर दिया। शुक्रिया अलादीन, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। राजकुमारी को अलादीन फिर से याद आ गया और वो दोनों की शादी उसी दिन हो गई। जादूगर पागलों की तरह राज्य की सड़कों पर घूमता रह गया और अलादीन और उसकी राजकुमारी हमेशा खुश रहे।
बहुत सालों पहले की बात है, अली बाबा नाम का एक मेहनती वुड कटर रहता था। वो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था। आज मैंने सारे पकवान आपकी पसंद के बनाए हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी पत्नी हो, इसलिए तो लोग कहते हैं अली बाबा खुशकिस्मत है। वो तो है, पर आज भी आपको रात को घर आने में देर होगी क्या? आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और आज मैं बहुत काम करने वाला हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं घर आने में देर नहीं करूँगा। अली बाबा का कजीम नाम का एक भाई था जो बहुत अमीर था, लेकिन अली बाबा से बिल्कुल अलग। वो बहुत आलसी आदमी था। कजीम, मेरे प्यारे भाई, काम पे नहीं चलोगे? हाँ, क्या क्या कहा तुमने? गुड मॉर्निंग कजीम, मैं जंगल जा रहा हूँ, मुझे लौटने में शायद रात हो जाएगी। अगर मेरी गैर हाजिरी में मेरे परिवार को मदद चाहिए तो कर देना। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर देख लूंगा। चलो बाय। तुम्हारे भाई के पास इतनी सुबह सुबह उठने के अलावा और कोई काम नहीं है? सही कह रही हो, चलो वापस सो जाते हैं। अली बाबा ने जंगल में जाकर अपना काम शुरू कर दिया। जैसा कि उसने अपने पत्नी को कहा था, वो बहुत लगन से काम कर रहा था। अगर मैं इतनी जल्दी काम करूंगा तो गांव का सबसे अमीर वुड कटर बन जाऊंगा। उसी वक्त अली बाबा ने एक गुफा देखी। वो बहुत बड़ी दिख रही थी और वो एक बड़ी से पत्थर की मदद से बंद थी। हाँ? ये गुफा तो काफी दिलचस्प लगती है। ये घोड़ों की आवाज है, लगता है कोई आ रहा है। झाड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ। अली बाबा को कहाँ पता था कि असल में ये लोग चोर थे। करीब करीब 40 चोर थे, उनमें से एक आदमी उनके लीडर जैसा लग रहा था। गुफा के सामने खड़े होकर वो चिल्लाने लगा, खुल जा सिम सिम। एक जादू सा हुआ, वो बड़ा पत्थर जिसने गुफा का रास्ता बंद कर रखा था धीरे धीरे खुलने लगा। अली बाबा कुछ देर गुफा के बाहर उनका इंतजार करता रहा और कुछ देर बाद उसने उन चोरों को गुफा से बाहर आते हुए देखा। एक बार उसने वही आवाज सुनी, बंद हो जा सिम सिम। सारे चोर अपने घोड़ों पे बैठ के वहाँ से निकल गए। खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। शायद यही गुफा को खोलने और बंद करने का तरीका होगा, पर वो गुफा के अंदर क्या कर रहे होंगे? दिखने से तो चोर लगते हैं, शायद वो कुछ छिपा रहे हैं। जब वो लोग वहां से चले गए तो अली बाबा गुफा के सामने चिल्लाने लगा, खुल जा सिम सिम। जैसे ही अली बाबा अंदर गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अली बाबा उस जगह का नजारा देख के उत्सुक हो गया। हाँ, ये क्या? क्या ये कोई सपना है? ये तो असली सोना है। तो ये वो जगह है जहाँ वो 40 चोर अपना चुराया हुआ सोना छिपाते हैं। अली बाबा ने कुछ सोना उठाया और वहाँ से निकलने लगा। वो फौरन अपनी पत्नी को इस बारे में बताने घर गया। आपको इतना सोना कहाँ से मिला? हमें इसे जल्द ही तोलना होगा, हम अमीर बनने वाले हैं। दरवाजा बंद कर दो, मैं कजीम से तोलने की मशीन ले आता हूँ। ध्यान रहे, ये सीक्रेट है, इसके बारे में उसे कुछ भी मत बताना। हाँ ठीक है। अली बाबा अपने भाई के पास गया और उससे मशीन लेकर आया।
उसने अपने भाई को सोने के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, वो हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। इस बारे में पता चल जाएगा। मैंने मशीन पे चिपचिपी गम लगाई है, जिस भी चीज को वो मशीन पे रखेगा वो उससे चिपक जाएगी। ये तो कितना बढ़िया आइडिया है। जब अली बाबा ने वेइंग मशीन उठाई, थोड़ा सा सोना उसके नीचे चिपक गया और इस बात से अली बाबा बिल्कुल अनजान था। क्या बात है, आज बहुत खरीदारी कर रहे हो, लगता है तुमने बहुत पैसे कमाए हैं। मुझे पता है तुम्हें कहीं से तो सोना मिला है, अब जल्दी से मुझे बताओ वरना ये बात मैं सबको बता दूंगा। अरे चुप रहो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर उससे पहले मुझसे वादा करो कि तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगे, तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें जबान देता हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। ये बात आपको अपने भाई को नहीं बतानी चाहिए थी, मैंने आपको पहले ही इस बारे में चेतावनी दी थी ना। अब मैं क्या करता, उसे ना जाने कैसे ये पता चल गया। मुझे लगता है उसने हमारी बातें सुन ली होगी। सुनो मोरिगाना, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? आपको सोने के बारे में उसको नहीं बताना चाहिए था, शायद आपने बेवकूफी कर दी है। जल्द ही कजीम अपनी डोंकी के साथ गुफा की ओर चला गया। वो जितना भी हो सके उतना सोना अपने डोंकी पे रख के ले जाना चाहता था। खुल जा सिमसिम। मैं तो अमीर बन गया, मैं अब राजा की तरह रहूंगा एक आलीशान महल में। चलो अब चलें। खुल जा खुल जा, वो क्या कहते थे, खुल जा। अरे यार, हे भगवान, मैं कैसे भूल गया, मैं फंस गया हूँ। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे मार देंगे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। एक रात जब चोर वापस लौटे तो उन्हें गुफा के अंदर कजीम मिला। उन्हें पता चल गया था कि किसी को गुफा खोलने की तरकीब पता चल गई है। उन्होंने बिना सोचे समझे कजीम को मार डाला। अली बाबा को जैसे ही अपने भाई का शरीर मिला वो उसे घर ले गया। हाँ? क्या हुआ, ये बेहोश क्यों है? नहीं, ये अब नहीं रहे। अगले दिन जब अली बाबा रास्ते से गुजर रहा था, एक आदमी जो चोर जैसा लग रहा था उसने अली बाबा का रास्ता रोका। क्या तुम ही अली बाबा हो? हाँ मैं अली बाबा हूँ, कहिए क्या काम है। लेकिन वो आदमी बिना जवाब दिए वहाँ से चला गया। अली बाबा गहरी सोच में पड़ गया। उसको अंदाजा हो गया था कि चोरों ने उसके घर का पता लगा लिया है। वो चोरों से डर के घर के अंदर ही छुपा रहा। मास्टर, आज रात सारे चोर आप पर हमला करने वाले हैं। उन्होंने हमारे घर पर एक मार्क लगा दिया है ताकि घर ढूंढने में दिक्कत ना हो। हे भगवान, अब क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए मास्टर, मेरे पास आइडिया है। मुझे बस आप कहीं से रेड पेंट ला कर दो। उस्ताद, मैंने अली बाबा के घर पे लाल निशान कर दिया है, आज रात उसी के घर में उसका काम तमाम हो जाएगा। हाँ? ये क्या कर रही हो? चोरों ने हमारे घर पे रेड पेंट का निशान छोड़ा है ताकि रात को जब वो वापस आए तो वो आपको ढूंढ सके। अच्छा, तो अब हम क्या करें? मैंने
मैंने सारे घरों पर रेड पेंट का बिल्कुल वैसा ही निशान छोड़ दिया है, ताकि रात को जब वो वापस आएंगे तो उन्हें हमारा घर ढूंढने में परेशानी हो जाएगी। मोरिगाना, तुम बहुत समझदार हो। और उस रात जैसे कि मोरिगाना ने कहा था, सारे चोर अली बाबा पे हमला करने के लिए आए, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सारे घरों पे एक जैसा निशान था, उन्हें पता ही नहीं चला कि अली बाबा का घर कौन सा है। हमें माफ कर दीजिए उस्ताद, हम अली बाबा का घर नहीं ढूंढ पाए। गली के सारे घरों में लाल निशान था, हमें पता ही नहीं चला अली बाबा का घर कौन सा है। तुम और तुम्हारा घटिया प्लान। अब मैं प्लान बनाऊंगा और जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। अगले दिन एक चोर अपना भेष बदल के अली बाबा की दुकान पर गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कहिए क्या चाहिए आपको? मेरा नाम हसन है और मेरे पास 39 बड़े तेल के डिब्बे हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं। मुझे आपके साथ व्यापार करने में खुशी होगी। काफी रात हो चुकी है, क्यों ना आप आज की रात यहीं गुजारें? व्यापार के बारे में हम कल बात करेंगे। मास्टर, जब आपका दोस्त हसन सो रहा था, मैंने सारे तेल के डिब्बे चेक किए। उनमें तेल नहीं बल्कि 39 लोग छुपे हुए हैं। वो सारे लोग आपको मारना चाहते हैं। वो हसन शायद उनका लीडर होगा। अरे नहीं, अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। अली बाबा और मोरिगाना वो सारे डिब्बे नदी के पास ले गए और उन्होंने सारे डिब्बे पानी में फेंक दिए। शुक्रिया मोरिगाना, अब सारे चोर मर चुके होंगे। और उस लीडर को सिपाहियों ने पकड़ लिया। वो राज्य का सबसे खतरनाक चोर था। सिपाही उसकी तलाश में थे। जब उन्हें पता चला कि वो अलीबाबा के घर में छुपा हुआ है, तो उन्होंने आके उसे गिरफ्तार किया। चोरों के जाने के बाद अलीबाबा अब चैन से रह सकता था। उसने अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिताई।